ओके हेलो सन मून एंड राइजिंग एक्वेरियस वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरो ये आपके पार्टनर की ट्विन इंटेंशन के हवाले से रीडिंग है जो कि एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है नहीं भी कर सकते आपसे फोन मैसेज को कंसीडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नहीं तो उसको सब्सक्राइब करें मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है तो अगर आपको उसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी आप उसमें इंस्टाग्राम में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं टाइमलेस कलेक्टिव मैसेज है जितना रेजोनेट करें उतना लें और जब भी आप इस मैसेज को देखेंगे आपके लिए होगा और ये एक लाइक आप मेरे दूसरे मैसेजेस को भी देख सकते हैं करंट uh, फीलिंग्स और ट्रू इंटेंशन के हवाले से जितने भी मैसेजेस हैं वो सब टाइमलेस हैं किसी रीडिंग uh, uh, को अपनी जोडियक साइन के हवाले से देख सकते हैं आप कभी भी देख सकते हैं ओके फर्स्ट मैसेज जो आपके लिए आया है वो है इम आपके पर्सन जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा एक ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे उनको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा अपने अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए चाहे वो वर्क लाइफ हो चाहे कोई ओवरऑल सिचुएशन हो या फिर आपके साथ उनकी कोई सिचुएशन है या वो लव सिचुएशन है उसमें वो अपने आप को एक बंद गली में महसूस कर रहे हैं आगे बढ़ नहीं सकते हैं और यस मजीद कर लेते हैं मुझे लगता है कि वो अपने आप को इस सिचुएशन से निकालना चाहते हैं ये जो एम वाली सिचुएशन है इससे वो अपने आप को निकालना चाहते हैं अपनी इंस्टेनिकट पे बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं यस ग्रोथ अपनी ग्रोथ पे वर्कआउट कर, करना चाहते हैं मुझे लगता है कि वो अपनी ग्रोथ चाहते हैं मुझे लगता है उनकी लाइफ एक जगह पे स्टक हो गई है और उन स्टक लाइफ की वजह से वो अपनी ग्रोथ नहीं कर पा रहे अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर रहे किसी भी सिचुएशन में ग्रो नहीं कर रहे लाइक चाहे वो ओवरऑल सिचुएशन हो वर्क सिचुएशन हो या लव सिचुएशन हो किसी भी चीज़ में वो ग्रो नहीं कर पा रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर सोच विचार करने के हवाले से सोच रहे हैं मुझे लगता है बहुत ज़्यादा विजडम गेन कर रहे हैं वो इस वक्त में और मुझे लगता है ये सिचुएशन जिसमें वो स्टक फील कर रहे हैं उनकी लाइफ आगे नहीं बढ़ रही तो मुझे लगता है कि यूनिवर्स उनको ये, उनसे ये चाहती है कि वो अपनी विजडम को गेन करें लाइफ को समझने की कोशिश करें सिचुएशन को समझने की कोशिश करें तभी उनकी ग्रोथ उन आएगी बट यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट हुई हुई है किसी हवाले से कंफ्यूज है वो आम, मुझे लगता है वो अपनी विजडम को भी यूज़ नहीं कर पा रहे हैं यस yes, मुझे लगता है कि वो लगता मींस के जो कार्ड्स आपके कह रहे हैं आपके लिए कह रहे हैं कि वो इस वक्त में बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं वो अपने इमोशनल्स इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही जो पास सिचुएशन ये भी हो सकती है कि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करें जो कि बहुत ज़्यादा उनको फील हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं और इस वक्त में वो आपके पास अपॉलोजी के लिए भी आ सकते हैं अगर उनको अपनी लाइफ में ग्रो करना है उनको ये एक मिल रही है उनको ये आ, गाइडेंस मिल रही है फ्रॉम डिवाइन कि अगर उन्हें अपनी रिलेशनशिप में ग्रो करना है तो उनको विजडम के साथ आपके पास जाना चाहिए और अपनी ग्रोथ के ऊपर वर्कआउट करने के लिए जो भी जो भी जरूरी है वो करें लाइक like अगर यहाँ पर अपोलॉजी नीडेड है तो वो भी करें या अपना जस्टर शो करें अगर उन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा सप्रेस करके रखा हुआ था अपनी फीलिंग्स को दबा के रखा हुआ था जो कि बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो थी तो उनको एक्सप्रेस करें अगर वो चाहते हैं इस रिलेशनशिप में ग्रोथ तो ये उनकी इंस्टेंट उनकी जो डिवाइन है उनको गाइड कर रही है कि लाइक जो डिवाइन है वो गाइडेंस दे रही है कि अगर आप अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं अपनी अपने लव लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं तो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें ना कि इसको सप्रेस करें लाइक उसको सप्रेस नहीं करना है एक्सप्रेस करना है तो मुझे लगता है कि वो आपको कोई आपके तरफ उनका इंटेंशन है कि वो ले सकते हैं कोई स्टेप आपसे बात कर सकते हैं और अपॉलॉजी भी कर सकते हैं सो दैट वॉज योर रीडिंग इफ इट्स एजनेट यू प्लीज लेट मी कन्फर्म इन अ कमेंट लो लाइक माई वीडियो सब्सक्राइब मैं चैनल थैंक्स फॉर वॉचिंग